हेलो नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ख़ास मकसद से लाइव आया हूँ। आज हम हरियाणा के मशहूर थिएटर आर्टिस्ट अनूप रांगा जी से बात करेंगे। बस वे अभी जुड़ नहीं जा रहे हैं, कुछ ही पलों में आइए। कैसे हो सर? भाई बढ़िया, बताओ। हाँ सुनाओ। बढ़िया भाई जी, आप बताओ कैसे हो? बस मौज में। सुना, लॉकडाउन ठीक चल रहा है? बस ठीक चल रहा है, कमरा में चल रहा है लॉकडाउन, कमरा में लगड़ दे नहीं। सही बात है भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। बिल्कुल यार, के दे यार बाहर कुछ नहीं, सामान देखा तो सामान सुन लेने चले जाओ, नहीं मैं नहीं निकलता भाई बिल्कुल भी। बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, पालन करना चाहिए, तो सरकार ने नियम बनाया हमारे लिए। वो बिल्कुल यार, अब आए निगरान कौन करेगा? बिल्कुल यार, अपने यूथ को सोचनी पड़ेगी इसके लिए, थोड़े सोचनी पड़ेगी भाई। या तो और क्या हो रहा है आपका जिंदगी में लॉकडाउन में? जिंदगी लॉकडाउन में बस ये है, और बुक्स हैं, नॉवेल वगैरह ये चीज पढ़ने वालों कम, बहुत कुछ सीखने को मिलता। सही बात है भाई, ये तो बढ़ते रहना चाहिए हमारा तो काम। आप तो वैसे भी थिएटर करते हो, आपका तो फिर भी बहुत कुछ भाई, बहुत कुछ ये सब का काम आ रहा है। लिटरेचर जो है सबको बहुत लाइफ में बहुत मदद देता है। जी सर, और अभी भी कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या वैसे करते ही बैठे? घर पे ही बस एक दो प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, कोशिश करते हैं इसके बाद देखते हैं, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। स्क्रिप्ट राइटिंग लंबा चल रहा है सा, मतलब राइटिंग भी करना, थोड़ा और मूवी देख देख कर थोड़ा और मेरा पार्ट जहाँ भाई कंटेंट मिल जाए लगे लगे। अच्छी बात है। हाँ। लेकिन वैसे बीच में लॉकडाउन में कुछ नया क्या कुछ ऐसा आपको जो हो रहा है? जैसे कई लोग कह रहे हैं कि फैमिली में अच्छा टाइम पास हो रहा हमारा, कई फैमिली से दुखी भी हो गए। अंदर ये है कि घर वालों के साथ टाइम बिताने का मौका मिल जाता है, पहले नहीं होता। पहले काम में बीजी थे, सुबह निकलते थे रात से घर आते थे, टाइम वो जाए टाइम बीत जाए। कुल मिला के लॉकडाउन अच्छा है आपको? अच्छा है, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। एनर्जी सिंह भाई वो मेरा ना इंस्टाग्राम पर है कि नहीं, शायद देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, तो फिर बात कर लेंगे भाई से। हाँ उसका पता नहीं, मैं भी इंस्टाग्राम का उसका पता नहीं, वो शायद ना हो इंस्टाग्राम, पता नहीं है, वो हो भी सकता है ना ही नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत कम चलाता हूँ इंस्टाग्राम में, कई दिन बाद मैंने चला। आपने क्या आपके कहने का? कोई नहीं, व्यूज थे तो वो तो दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे, ऐसी कोई बात। हाँ बिल्कुल। और आपका ठीक चल रहा है लॉकडाउन? लॉकडाउन से ही चल रहा है बस, आप जैसे जब बात हो जाए। अब बहुत बढ़िया भाई, बस यार बताओ तुम्हारे दर्द में। हाँ भाई, घर में रहो, सेफ रहो, घर वाला का ध्यान रखो, कितने बाहर आओ जाओ हो तो मुंह पर कपड़ा वगैरह बांध के जाओ, आते आते धो अपने सेफ रहो, पुलिस वाले बांध देंगे, गाड़ी बांध देंगे, कपड़ा ही बांध देंगे। सही बात है भाई, काम होता रहेगा। हाँ जी, मोदी जी ने कहा दूरी है? नहीं है मजबूरी। मोदी जी ने कहा दो गज दूरी नहीं है मजबूरी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, दो गज दूरी बनानी रखनी पड़ेगी। आजकल फैमिली टाइम के साथ पशु वगैरह ग्रस्त हो क्या? पशु वगैरह में घर पे? नहीं पशु नहीं है, डंगर नहीं है भाई, बस ये है प्लाट है, प्लाट में सब प्लाट में सब्जी वगैरह। अपना हरियाणा डंगर बोलना है भाई, तो हरियाणा तो है ना। अच्छा आई टी वाला डायलॉग सुनागा भाई, आई टी वाला डायलॉग सुना दे। सुना दे भाई, देखती जाएगी। वो था नीली पैंट कान पर बीड़ी, बस स्टैंड पर आगरा, बड़े बदमाश गोज मदस का, आई टी वाले का आगरा। सही बात है भाई, ये तो अपने हरियाणा के कद्दे भाई, आई टी आर से मुझे कद्दे के वो नहीं ले, बाड़ा नहीं ले, टी शर्ट काट के पकड़े
टी शर्ट काट के पकड़ा नहीं करा ऊपर पकड़ने का डंडा उस पर घुमा देंगे उसके टी शर्ट काट के उस पर टी शर्ट में पकड़े पकड़ने का नहीं हो तो वही बात है भाई अपना इंडिया रहा वैसे तो जुगाड़ करने में माहिर है लेकिन अपना हरियाणा वाले हैं इतने पास गणे गणे भाई गणे उपचार में भाई बात आज तक तो इस तरह की दिन नहीं हो रहा हां छात में बैठे होंगे कोई सा पुलिस दी है तो मम्मा का आवाज है मम्मा का जगह छात में बैठे बैठे बस की जात ये तो है जी छोटी छोटी बात हां और बस अपना कोई बताओ कोई अच्छा अपने जिंदगी संबंधित कोई अच्छा आपने टॉपिक कोई यादगार लम्हा जो आप मतलब कई बार भी नो हो हां भाई बहुत अच्छा मोमेंट था वो अच्छा भाई अच्छे मोमेंट तो मतलब दोस्त के साथ मतलब थिएटर वाले जुड़ रहे हैं हमारे साथ मतलब थिएटर गया कर दे मेरे भाई भी जुड़ रहे हैं श्वेता थी शायद आई अभी मैसेज आया एक भाई का साउथ फेस्ट में मिले थे टीम मित्रा हाँ आज हम टीम मित्रा में ही थे हाँ भाई अच्छा भाई कमाल मैं लोगों जिंदगी में एक बार 2000 और एक 5 दिन मेरे साउथ एशिया में मतलब जिंदगी के सबसे हसीन दिन मेरे केयू फेस्टिवल हाँ बिल्कुल होंगे सर इंटरनेशनल फेस्टिवल था और अपनी टीम का वो करना लीडर बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्राउड फील हो यार किसी पहली बार कोई पहली बार यूनिवर्सिटी बनी थी पहली यूथ फेस्टिवल था पहली बार में साउथ एशिया इंटरनेशनल सब गुरु जी की मेहरबानी है भाई उनके बिना शायद कभी वो नहीं पूछ सकते कभी नहीं कर देंगे ये बताओ जो आपका चैनल का नेम रामपड़ ब्रदर ये कहां से आईडिया आया हां भाई एक कॉमन नेम रामपड़ रामपड़ कॉमन नेम है हरियाणा में अपना मतलब चौक पकड़ा रामपड़ रुक्का मारे 10 रामपड़ इकट्ठे हो जाए नहीं है तो रामफड़ राम धन राम दिया ये तो बहुत से वर्ड है लेकिन रामफड़े क्यों सोचिए आपने कुछ दिया एक तो जुड़ा हुआ हो आपकी जिंदगी से रामफड़ नाम का कुछ मतलब नो एक बार राम फड़ का है किसी ने कि मान लिया आपका नाम गजेंद्र है मैं अपना राम फड़ को और राम फड़े ऑटोमेटिकली चेहरे पर समाई लगे देखा कि ना आपके देख वो तो इब्राहिम फड़ नाम से स्माइल मारे अंदर बस रही है भाई हम राम फड़ बरोदर से नाम देख सा दोस्त टाइम स्माइल आ जाएगा भाई के मैंने कि मैं कबाड़ा रख के पाऊंगा गाना गाना भाई राम फड़ नाम ही ऐसा है भाई राम का फड़ यहां पे स्माइल आ जाएगा राम का फल मतलब आपने रिजल्ट बता दिया राम का फल राम का फल ये बात अपना पहला वो वायरल हुई थी वीडियो बता मेरे यार राम फल है हां एक बार सुना दो ना आप सुना सकते हो अच्छा बता मेरे यार हो राम फल रे भाई घने दिना में आया रोज सांझ ने आया करदा दिल्ली पौआ लाया करदा कोई के तकरार हो राम फड़े रे भाई घने दिना में आया ईब भी आ गया ठीक बखत पे पौआ दरिया से नीचे तखत के पौए न बार काट ले हो भाई घने दिना में आया फिर आपने इस लॉकडाउन में भी कुछ बनाया होगा इस लॉकडाउन में गाना तो किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अनूप जी से हमारा संपर्क टूट गया है दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे भाई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई शायद है वो दीपक वो डंबल का फोन आ गया था एनर्जी का दीपक कपूर टाइम पास कॉमेडी नहीं यार जो डंबल का रोल कर रहे हैं हां 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 दीपक कपूर सर का फोन आ गया मैं बाद में कर लें बाद में ठीक है चलो हां सही बात है फिर इस लॉकडाउन पे क्या सोचिए आपने इस लॉकडाउन पे यार सोचिए भाई जिस जिसके बाल उठ रहे गंदे हो जाओ बाल उठ रहे हो कुकर गंदा होगा मतलब जिसके बाल झड़ना है बात सही है वो तो अपना आप पे गंदा हो जाए मतलब जिसके बाल झड़ना है गंदे हो जाओ भाई मौका बढ़िया है जरूर दवाई भी बताओ
लॉकडाउन में तीसरी बार गंजा हूँ मैं भाई। आप तो मैंने देखे थे साउथ वेस्ट में भी थोड़े बहुत रह रहे हैं। ये तो आने जाने चीज है भाई, क्या कर सकते हैं। हाँ और क्या, आजकल तो सब के में मेडिकल ही काम हो गया भाई। कुछ भी बिल्कुल भाई, बिल्कुल मेडिकल ही है भाई। ये वहां और जाऊंगे तो कौन डॉक्टर कहानियां जानी हैं तो हैं बिल्कुल अपने जाए बढ़िया तेल पान हैं। एक आपकी वो सीरीज देखी थी मैंने जिसमें आप रेनर जिसिन बेस्ट फ्रेंड हो वो स्कूल लाइफ वाली। हाँ उसमें आपका कोई वो छुड़वा दे है मतलब दरार डाल दे दोस्त के बीच में। हाँ तो उसमें आपने क्या सोचा, स्क्रिप्ट लिखी या रियल लाइफ पे लिखी है या वैसे स्क्रिप्ट भाई या आपके साथ वो बीत चुका है सर। वास स्क्रिप्ट लिखी थी कवि इंद्रजीत ने, मतलब राइटर है हरियाणवी, बहुत मतलब बहुत वेब सीरीज लिखा है, गाने लिखा है, जेजेपीआई गाना लिखा है, जेजेपीआई रहे जेजेपीआई रहे सुना हुआ चुनाव चला करता मतलब बहुत गाने गाने वगैरह वीडियो वगैरह लिखता रहे राइटर है। तो उसने लिखी थी तीन पार्टी, लेकिन आपने उसको एकदम से डन कर दिया है, वैसे ही डन कर दिया है, फिर कुछ सोच के मत अच्छी लगी यार आपने लगा या रियल लाइफ में कांसेप्ट हमने ही दिया था उनको। अच्छा जी, वो कांसेप्ट हमने दिया था कि साथ काम कराया करते एक दो वेब सीरीज में वो लिखा करते, तो मैं भाई साहब इस पे मनाऊं कोई आप मारा चैनल खातिर मैं मनाना चाहूंगा मैं कोई हल्की कोई कॉमेडी मतलब अच्छी लगी वो लोगों को भी खूब सराहा गया आपकी सीरीज को। बस बाकी प्यार है आप सभी का, बस ये था बस काम प्यार बस तो काम बिल्कुल बस काम करो यार, बस मारी दिया सलाह है कि बढ़िया काम करा, कोशिश यही रहे कि लोग पसंद आवे आप भी देखें। हाँ बिना वल्गर भाषा के मनोरंजन करना अपना हरियाणी में है भी और नहीं भी। बिल्कुल लेकिन, बिल्कुल लेकिन आपके मन लगभग जितने देखे सब अच्छी भाषा प्रयोग है और मनोरंजन भी सही हो जाए, मतलब कितना है निराश हो बंदा निराश हो एक बात हसी आए था वो राम फड़क हसी आ जाए। कोशिश करा एक नॉर्मल लिबाज है आप जो देखा है तो आस पड़ोस में देखा वही चीज लिखी जा करे भाई। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ था कि वो जो स्कूल लाइफ वाला था आपने दरार आ गई दोस्ती में या आपके ऊपर बीत चुकी है या आपने देखा अपनी लाइफ में ऐसा कुछ होता ना या तो एक नॉर्मली वाला अगर किस कोई भी अपना सीरीज शुरू कराएंगे कोई भी फिल्म देखाएंगे उसमें ट्विस्ट होया करे। हाँ उसमें ट्विस्ट होता है कि लोग मतलब जुड़े रहे उस चीज से, जैसे वेब सीरीज आई हुई है बहुत मतलब हर हफ्ते कोई नई वेब सीरीज आई जाती है हर हफ्ते 20 दिन में, तो उसमें तो 8-9 पार्ट हुए हैं, 8-9 पार्ट में हर पार्ट में एक सस्पेंस दे हैं ताकि वो अगला पार्ट देखे एक जुड़ाव हो जाए। तो मार लिया मैंने आपने कि आप सस्पेंस की बात करो, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ जो स्टोरी का आइडिया था जो आपने उनको दिया वो तो स्टोरी में दिखाया गया वो आपके साथ बीत चुका था या वैसे आपने अपने आस पड़ोस में देखा था ऐसा कुछ की भाई ऐसे दोस्त धोखा दे देते हैं। नहीं वो धोखा तो भाई के बताऊं चल रहा है दोस्त भी दे दे हैं धोखा तो, लेकिन वो एक नॉर्मल स्क्रिप्ट थी कि मतलब इस अधिकांश का हम कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी दोनों के बीच में फिर दोनों अलग हो गए फिर अगला पार्ट में दिखाऊंगा दोनों के मन में कि क्या चल रहा है भाई फिर उस अगला पार्ट में किसकी वजह तो हुआ वह खोजबीन करेंगे पता चलेगा खोजबीन करने से तब फिर से मिल जाएंगे हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। हाँ लेकिन लास्ट में एंडिंग तो कर दी पर जल्दी कर दी मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से थोड़ी जल्दी एंडिंग होगी। वो प्लान ही ऐसा था मतलब तीन पार्ट में करनी थी बस तीन ही पार्ट तक करनी थी मतलब। चलो कोई नहीं आगे और अच्छा करोगे भाई उसमें कोई अच्छी स्क्रिप्ट लाओगे अभी दोस्ती की थी अब थोड़ा लड़की वाला भी बनाओ कोई भाई कोशिश करेंगे क्योंकि जो मैं जो हम वेब सीरीज में देखते हैं आइडिया वैसे ही आते हैं भाई अपने दिमाग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जितने भी ज्यादातर कंटेंट होते हैं ना वो चीजें देखने से ही आते हैं हम कोई भी बुक्स पढ़ते हैं हमें कुछ चीज अच्छी लगी
हम वो चीज उठाएंगे, उसमें अपना ऐड करेंगे, फिर एक अच्छी चीज तैयार करेंगे। जी सर, यही चीज होती है लाइफ में। आजकल जैसे कई यूट्यूब के चैनल हैं, अपनी अलग अलग तरह की कॉमेडी बना रहे हैं, उसमें आपने कोई सोचा है कोई लंबी सीरीज निकालने का? भाई देख, सोच तो रखी है लंबी सीरीज, लेकिन कई बार ये होती है कि कई बार इक्विपमेंट की सोर्सेज होते हैं, जो अभी हमारा बड़ा सोर्स ये तो बस एक नॉर्मली कैमरे की बात है। हम कैमरे के तौर पे जितना अच्छा हो सके, कैमरे से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। राजा भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक रहा, अपने स्ट्रगल को देखो सभी करते हैं, स्ट्रगल है। अब जैसे आपका है, एकदम से आप हो गए, और मैंने तो शायद ज्यादा पढ़वाते हैं मैथमेटिक्स। हाँ, मैं एमएससी मैथमेटिक्स। हाँ, तो मैथमेटिक्स के बंदे में मतलब कॉमेडी की रग रग में भरा हुआ, कुछ तो भगवान ने दिया आपको स्पेशल गिफ्ट, इसलिए आपके अंदर वो चीज। भाई एमएससी भी थिएटर के लिए की थी ताकि 2 साल थिएटर और सीख सकूं मैं। अच्छा, वेस्ट कॉलेज में ही बीएससी की थी, बीएससी फाइनल ईयर में थिएटर करना स्टार्ट किया था, फिर एक साल हो गया। माँ अब क्या करें, माँ एमएससी करते हैं, 2 साल और वेस्ट कॉलेज से थिएटर करेंगे। आरके सर हमारे गुरु जी हैं, आरके सर। हाँ, लेकिन फिर उससे आपको फायदा मिला ना, बेनिफिट हुआ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत ज्यादा शायद एमएससी में आने के बाद ही आपको थोड़ी ये मिली है। हाँ बिल्कुल, एमएससी कम्प्लीट होने के बाद में वीडियो वायरल हो गई हो, उसके बाद चैनल बनाया तो सोचा क्यों अलग अलग कंटेंट था भाई, लोगों को पसंद आ गया, मैं भी नहीं पता था पसंद आएगा, तो पसंद आ गया। चलो मतलब रामफड़ वाला तो उड़े गया, मैंने ऐसा लग गया तो जाना है रामफड़ रहे, वो बता मेरे यार, वो रामफड़ रहे, वहीं से रामफड़ निकला शायद, वहीं से रामफड़ निकला था। देखिए हम कोई और शूट कर रहे थे, कोई फौजियों के ऊपर टिब्बे थे खाली, मतलब रेत ही रेत है, वहां पे शूट कर रहे थे, 2-3 रात लगी थी, मतलब एक रात को पूरी शूट नहीं हो पाई, आधी होगी, फिर अगली रात को फिर आधी कंप्लीट करी, थोड़ा बहुत रह गया था वो, उससे अगली रात को कंप्लीट किया। तो वहां पे मतलब खाली समय में बैठे 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 हमने एक वीडियो लिख तो रखी थी, एक गाना लिख रखा था ना मैंने, वो लिखे हुए याद तो था ही, हमें वो गाना गा दिया, वो फिर वो लिख रखा था आपने? हाँ लिख रखा था रामपुर वाला। चलो मतलब कि वो नू सोचते थे आपने एक ना एक दिन तो मतलब गाना ही है। हाँ, गाना तो था ही हमने, और उस दिन फ्लो फ्लो में लेके गया, वो फ्लो फ्लो में वो मतलब बात चीज नहीं आई हो क्या बताओ, उसके बाद फिर वो वायरल हो गई, लोगों ने पसंद किया, फिर पता चला हम भी मतलब अच्छा कंटेंट है, हम बना सकते हैं। हाँ, ये आपका जो लास्ट गाना आया है यार, मैंने सुना था विचार दिन पहले लास्ट का गाना, जो लोक का था शायद, लोक का था, बताइए देख कर की धोखा 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 धोखा, लोक का गाना नहीं, सिंह का गाना आया था नया। अच्छा जी। हाँ, उस पर बना दिया, वो गाना फैजलपुरिया ने भी शेयर करा था अपने इंस्टाग्राम पेज पे। हाँ बिल्कुल करा हुआ जी भाई, उसमें अच्छा लगा, उसमें भी कंटेंट काफी अच्छा डाल रखा था आपने। गिटार ले रहा था भाई, बहुत अच्छा गिटार हो जाता है वो, अंकित भी दोस्त है बहुत, 7-8 साल से साथ में हम। एक बार सुना दे फिर वो भाई, एक लाइन याद है मेरे तो, या लेकर गी धोखा 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 धोखा, देख का मौका 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 मौका, लेकर गी धोखा 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 धोखा। चलो कोई नहीं भाई जी, और बताओ। और बस भाई, मां एक दो दोस्त की शादी थी लॉकडाउन में। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। लेकिन नहीं जा पाएगा वो, उनकी फिर उससे मैं करनी पड़ी, बता दो लाइव
लाइव कॉन्फ्रेंस लाइव वही है वो तो ये लाइव कॉन्फ्रेंस एक दोस्त की सगाई थी वो तो सगाई खाते तो आ गए थे मैं पूछो था लाइव कॉन्फ्रेंस में बैठा ना अंगूठी लाइव थोड़ी पर आऊंगे अंगूठी तो आगे पर आऊंगे बोले अच्छा चलो ये तो दोस्तों में मजाक चलते ही रहते हाँ बिल्कुल बस यार भाई घर में रह करो किधर बाहर ना निकलो कहीं कोई मैसेज दे रहा था वो आप मारे दर्द का भी भाई बहुत भयंकर बीमारी है यार इस तरह शहर के शहर तबाह हो रही है भाई मई का यूएस यूके में तो मिलियन में जा रही है संख्या इनकी तादाद मिलियन में कोरोना की मरीज की बहुत बहुत मरे हैं भाई बहुत मरे हैं तो इसलिए घर पे रहो इसको उसमें मतलब कि कुछ नहीं होगा कई लोग अब भी हैं गांव में या कहीं और पे अब भी हैं ये सोच रहे हैं कि कोई वो तो कहीं बीमारी आई हुई कहीं दूर आई हुई अपने यहाँ नहीं आई हुई ऐसा सोच रहे हैं लोग जी जी वो फिर वही बात है फिर जब आओ जाता है ना उनको किसी को आस पड़ोस में फिर वो हाँ वोट ज्यादा कर रहा जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत सोचे हैं कि वो बाहर आ रही है अपना थोड़ी ना आ रही बिल्कुल भाई गांव में मिलजुल गांव का तो करडा काम है एक गांव में आ गया पूरा गांव आ जाए यूट्यूबर्स कोई प्लेटफॉर्म मिल सके लोगों तक अपनी बात रखने का हाँ भाइयों आजकल यो मतलब सोशल मीडिया का यो जो भी है बहुत कमाल का है मतलब घर बैठे ही हम अपना कंटेंट है जो अपना एक स्टेज मिल जाता है लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाता है वरना बहुत से ऐसे कलाकार जिनको स्टेज नहीं मिलता काम करने को लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब हुआ एक मतलब ऐसा बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को मतलब खूब सक्सेस मिलती है और खूब कामयाबी होती है लोग खूब नाम कमाते हैं बहुत मतलब बहुत बढ़िया है अपना नया कंटेंट लेके आओ और रखो लोगों के बीच में अच्छा कंटेंट जिससे लोग मतलब वो भी हो अच्छी 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 बातें बताओ लोगों को लोग इंस्पायर हो मतलब बहुत बढ़िया भाई ना कुछ बहुत कुछ हाँ सीखने को मिले कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आओ और ये बैग न्यूज चैनल है इसको फॉलो करें और वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और घर पे रहो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू जोशी भाई थैंक यू विजेंद्र भाई थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भाई जय हिंद भाई जय हिंद।